सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बच्चों के माता पिता के आधार से बच्चों का आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है। इसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन बच्चों का आप लोग आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं और किन का भी आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो ये 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनका यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं जोड़ा गया है। लेकिन कुछ यूट्यूबर जो है आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इनका नाम आप लोग डिलीट कर दीजिए, जो पहले से रजिस्टर्ड बच्चे हैं, और उनका नाम फिर से आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करके उनके माता पिता का आधार वेरीफाई करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी बच्चों को आपको डिलीट नहीं करना है। बहुत जल्द ही ये जो जितने बच्चे हैं पोषण ट्रैकर ऐप में, आप पहले से जितने भी ऐड बच्चे हैं उनका भी वेरिफिकेशन करने के लिए एक नया अपडेट आएगा जिससे कि आप लोग उनका भी आधार वेरिफिकेशन कर पाएंगे। चलिए हम आज के इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उनमें जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन है उसमें बच्चों के माता पिता का आधार कैसे डालेंगे, किनका आधार डाल सकते हैं, किनका नहीं डाल सकते हैं, यहाँ तक कि आप बच्चों के गार्जियन का भी आप इसमें आधार डाल के बच्चों का आधार सत्यापित कर सकते हैं। वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सही मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक बच्चे का नाम एंट्री करके दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस प्रकार से आपको करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे THR वाले बच्चे का नाम रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप समझना होगा कि कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर में पूछ रहा है नेम ऑफ चाइल्ड, यानी यहाँ पे बच्चे का नाम डाला जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे बच्चे का अगर आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड डाल के बच्चे का आधार वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे जो भी प्रोसेस है वो आप सभी को पता है कैसे करना है। अगर बच्चे के पास आधार नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार। हाँ, बच्चे के पास आधार नहीं है तो यहाँ पर आपको हाँ वाले पर सेलेक्ट कर देना है। हाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है बच्चे का आधार कार्ड वाला, ये ऑप्शन बंद हो जाएगा और नीचे आपको बच्चे के माता का आधार का ऑप्शन आ जाएगा। यानी यहाँ पे बच्चे का माता का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे बच्चे के माता का ही जन्म तिथि डालेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग डाल सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि बच्चे के माता का भी आधार कार्ड नहीं बना होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको हाँ पे सेलेक्ट करना है। यानी कि बच्चे का भी माता का आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे हाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच्चे का माँ वाला आधार ऑप्शन बंद हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आधार नंबर ऑफ फादर या गार्जियन। यहाँ पे आप बच्चे के पिता का या उनके गार्जियन का भी यहाँ पे आधार नंबर डाल के आप लोग बच्चे का आधार सत्यापित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिताजी का आधार कार्ड नहीं है तो उनके दादाजी का, दादी जी का या अंकल का किसी का भी आधार हो तो उस आधार से आप यहां पे उनका आधार वेरीफाई कर सकते हैं। जिसका भी आप आधार डालेंगे उनका यहां पे जन्म तिथि डालेंगे, फादर का या गार्जियन का। उसके बाद आपको यहां पे सिलेक्ट करना है कि गार्जियन मेल है या फीमेल है, आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहां पे हेल्थ आईडी पूछेगा तो ये आप लोग छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ पर वो बच्चा क्या है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। फिर यहाँ पे नीचे बच्चे के पिता का नाम डालना है और माता का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको फादर मदर या गार्जियन जिसका भी आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं उनका यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, पूरा बच्चे का जो भी डिटेल से भर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बच्चे का नाम एंटर कर दिए हैं, बच्चे का आधार नहीं है तो इसको हम छोड़ दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बच्चे के माता का आधार नंबर डाल दिए हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिए हैं।
और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि जब माता का आधार नंबर डालेंगे तो नीचे पिता या गार्जियन का आधार नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जन्म तिथि और जो डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है सभी डिटेल्स हम यहाँ पे भर चुके हैं। सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सबमिट वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, इस प्रकार के मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस बच्चे का न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो रहा है, कुछ सेकंड वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उस बच्चे का नाम यहाँ पे आ चुका है, अंशिका कुमारी। अब आप लोगों को क्या करना है आधार वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे अंशिका कुमारी के नाम के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी अनवेरीफाइड दिखा रहा है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन दिखा रहा है, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो वेरीफाई आधार वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आधार वेरीफिकेशन कंप्लीट बैक टू होम, यानी आपका जो आधार वेरीफिकेशन है उस बच्चे का उसके माता के नाम से, यहाँ पर आधार वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रेशिंग लेगा, उसके बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखा देगा। देख सकते हैं यहाँ पर आधार वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है। इस प्रकार से आप लोग किसी भी बच्चे का न्यू रजिस्ट्रेशन करके आधार वेरीफाई करेंगे तो इनका 100% आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे और प्रोफाइल अपडेट में जाएंगे। प्रोफाइल अपडेट में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अंशिका कुमारी का यहाँ पर आधार वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर छिप गया है। आप लोग जब आधार वेरीफाई कीजिएगा तो एक बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिस भी माता या पिता का आप लोग नाम डाल रहे हैं यहाँ पे, तो आधार कार्ड के अनुसार ही यहाँ पे आप लोग उनका नाम डालिएगा, और जिस प्रकार से आधार पे डेट ऑफ बर्थ और उनका आधार कार्ड रहेगा वहाँ पे आपको सही सही डाल लेना है, जिससे कि आपको आधार वेरीफाई आसानी से हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है इस प्रकार से आप लोग भर के उनका आधार वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक गलती करने से बचना है कि जो भी यूट्यूब पर गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे कि किसी बच्चे का यहाँ से नाम डिलीट करके उनका फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए यहाँ पे फिर से नया अपडेट आएगा जिससे कि आप जितने भी पहले से रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनका आधार वेरीफाई हो सकेगा। तो उम्मीद है आप सभी को आज के इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी किस प्रकार से नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। हमें उम्मीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।